Hey friends, what is up? Welcome to another video. I am your friend Rahul and it's Foodie Techie Rahul. Let's start it. So friends, आज हम बात करेंगे ई स्पोर्ट्स के बारे में. क्या है ई स्पोर्ट्स, कहाँ से आया है और क्यों इतना ज्यादा अभी पॉपुलर है ई स्पोर्ट्स, कैसे ई स्पोर्ट्स को बहुत लोग अपना कैरियर बना रहा है, तो सारे डिटेल्स में इस वीडियो में बात करूंगा. जैसे मैंने पबजी के वीडियो में बोला था, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं तो लिंक आ रहा होगा कि पबजी खेल के आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे पबजी को अपने करियर बना सकते हो, वैसे ही ई स्पोर्ट्स में भी सेम है. ई स्पोर्ट्स को भी आप करियर बना सकते हो और बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो. तो पहले जान लेते हैं ई स्पोर्ट्स क्या है. तो जैसे आप फिजिकल ओलंपिक देखते हो, वैसे ई स्पोर्ट्स भी एक वर्चुअल ओलंपिक है. जैसे ओलंपिक में क्या होता है, बहुत कंट्री से कुछ सिलेक्टेड पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं और वो कंट्री के लिए खेलते हैं और जीत के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो देश को प्राउड करते हैं. ई स्पोर्ट्स में वर्चुअली वहाँ पर भी पहले अपनी कंट्री में कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, वहाँ से जो जीतता है वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर बाकी सारे कंट्रीज़ के जीते हुए प्लेयर्स से मैच होता है और लास्ट में मतलब आखिर में जो जीतता है उनको एक बहुत बड़ा प्राइज पूल मिलता है और वो भी देश को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस कंट्री से हो जाता है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक की तरह. तो वो भी वो लोग देश के लिए ही करते हैं. अगर आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे कि 1972 में फर्स्ट ई स्पोर्ट्स इन्वेंट हुआ था और 1980 में फर्स्ट ई स्पोर्ट्स का गेम हुआ था. तो एक बहुत कमाल का जानकारी है ना. अब हम 2019 में ई स्पोर्ट्स मतलब इतना ज़्यादा सुन रहे हैं, बट वो 1980 में मतलब फर्स्ट गेम हुआ था और उसका भी प्राइस पूल बहुत बड़ा रकम का था. तो इंडिया में फर्स्ट ई स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था यू साइफर, एक नाम था शायद, अब देख लो यहाँ पर. तो इसने तो ये एक MTPA का प्लेटफॉर्म था. इसका जो प्राइस पूल था वो था 51 लाख का. तो मतलब कितना बड़ा रकम तब का मतलब टाइम में ही था, तो अब कितना ज़्यादा बड़ा रकम का प्राइस मतलब ई स्पोर्ट्स में मिलता होगा. तो ई स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा प्राइस पूल मतलब लगता होगा आप यहीं से सोच सकते हो. अभी तो करोड़ों में हज़ार डॉलर में बात चलता है. तो आप बात करते हो आप कैसे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो. पहले तो आप देखो आपका किन गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हो, लाइक पबजी, डोटा, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, क्लैश ऑफ क्लैंस. अभी तो बहुत सारे गेम का, फ्री फायर भी आ चुका है, अभी तो बहुत सारे गेम का ई स्पोर्ट्स होता है. आप एक बार देख लेना आप जो गेम खेलते हो, जो गेम खेलना पसंद करते हो उसका ई स्पोर्ट होता है या फिर नहीं होता है. आप गूगल में जाकर सिंपली सर्च करना, आपको मिल जाएगा. तो पहले आप देखो आप कौन गेम में बहुत अच्छा आप खेल सकते हो, कौन गेम में आप परफेक्ट हो. आप एक गेम खेल के ही सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकते, आपको एक माइंडसेट लगता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए. अगर आपके गेम में टीम हो, मतलब जैसे पबजी को लेते हो, वहाँ पर 4 प्लेयर एक टीम में खेलते हैं, तो आपको एक टीम ढूंढना पड़ेगा जिनका भी माइंडसेट बहुत अच्छा, ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो सारे अलग अलग कैटेगरी का मतलब प्लेयर हो, कोई स्नाइपर हो गया, कोई एसल्ट हो गया, सब प्लेयर्स एक लीडर का बात सुने. इस तरीके से एक टीम को आपको बनाना होगा, वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको एक बहुत अच्छा सॉलिड टीम बनाना होगा जिनपे सारे प्लेयर का अलग अलग खूबी हो और चारों मिलके एक बहुत स्ट्रांग टीम हो. तो ये पहला काम है आपको करना होगा. अगर आपको सिंगल प्लेयर हो तो आपको खुद को ग्राइंड करना होगा, और मल्टीप्लेयर में भी अगर खेल रहे हो मतलब 4 प्लेयर 5 प्लेयर में, तब भी आपको खुद को बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा उस गेम को खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना होगा. आपके अंदर अगर किसी गेम के पार्ट में कमी हो, जैसे आप पीक नहीं कर पाते, पबजी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पीक बटन नहीं कर पाते हो तो आप उस पे ही टाइम देना होगा, उसमें ही ग्राइंड करना होगा. ऐसे ही सारे गेम में अलग अलग पार्ट्स होता है. कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर आपको ग्रेनेड नहीं फेंकना आता हो, क्लैश ऑफ क्लैन में अगर आपको मतलब और एक जो क्लैन है उसको अंदर अच्छी तरीके से जो ट्रूप्स हो उसको भेजना नहीं आता हो, तो सब कुछ में आपको ग्राइंड करना होगा. अगर आपको लगे आप परफेक्ट हो चुके हो, तब आप दूसरे प्लेयर को देखो, आपका जो मतलब उस गेम का मोटिवेशन देता है जो प्लेयर, उनको देखो, वो लोग कैसे खेलता है वो देखो, उससे आप सीखो. इस तरह से आपको गेम को ग्राइंड करना होगा, बहुत टाइम लगेगा. आपको एक अच्छा टीम बनाना होगा, आपका गेम को ग्राइंड करना होगा, आपको गेम के बारे में सारे डिटेल जानना होगा, आपका मैप सेंट्रिक गेम हो तो मैप के बारे में सारे डिटेल जानना होगा. तो इससे ही आप गेम को अच्छी तरीके से जान पाओगे. और ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक गेम को जानना ही सबसे बड़ा मतलब चैलेंजिंग काम होता है. उस गेम का सारे चीज़ के बारे में, सारे डिटेल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है. तो पहले तो ये सब करना होगा, मतलब टीम बनाना, गेम को गाइन करना और गेम के बारे में जानना. अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस. आपको लगता होगा शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, बट आप जब एक मतलब ई स्पोर्ट्स में जाओगे, आपके अगेंस्ट जब बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर जो बहुत सालों से ई स्पोर्ट्स खेलते आ रहा होगा, तब आपके सामने आएगा,
तो आप अगर उनके अच्छा भी खेलते होगे ना, तो आपके अंदर एक डर होगा, नहीं ये तो शायद मुझसे अच्छा ही खेलता हो, इतना साल से इतना मतलब प्रैक्टिस है। तो इस डर के वजह से आप हार भी सकते हो। मतलब ज़्यादातर प्लेसेस में यही होता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के, जो यही बोलता है मुझे डर लग जाता है जब मेरे सामने इतना बड़ा टीम आता है। तो अगर इस डर को आप काबू में ला सके, अगर आप इनके अगेंस्ट भी डटे रहे, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़े कि कौन भी आए आपके टीम के सामने आप मार सके, तो ही आप एक अच्छा ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन पाओगे। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉन्फिडेंस भी हो गया, गेम भी ग्राइंड हो गया, तो आप पार्टिसिपेट करो। आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जो भी छोटा छोटा मतलब गेम हो रहा है उस पर पार्टिसिपेट करो, उसको जीतो, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट आपको बहुत सारे गेम में करना पड़ेगा, जिसमें प्राइज पूल अगर आपको ना भी मिले, कोई मतलब इनाम ना भी मिले, बट आपको जाना होगा उस गेम में, आपको जाके वो खेलना होगा, उस टूर्नामेंट को खेलना होगा, और धीरे धीरे आपका नाम बढ़ेगा। जब लोग जानेंगे आप जीतते हो, तब वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। तरीके से जो उस गेम का बड़ा बड़ा इवेंट होता है, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस पर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, उस पर आप हिस्सा बन पाओगे। तो उस पर जाओ, खेलो, को प्रूव करो और देश के लिए खेलो। जब आप खुद को प्रूव कर पाओगे, तब आपको और आपके टीम को एक ही मेंटेलिटी रखना होगा कि मैं देश के लिए अभी खेल रहा हूँ, तो देश को मतलब जिताने के लिए मैं बाहर जाके देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके मुझे नहीं हारना है। यही जो जोश है, यही जो स्पिरिट है, वही एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को अच्छा मुकाम तक पहुँचाते हैं। तो सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर देख लो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के, बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर के मतलब दिया है, तो वहाँ पर आप देख लो सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक गेम को जानते हैं, गेम को ग्राइंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही आप भी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो। आपको जो मैंने प्रोसीड्योर बताया वो सब आप फॉलो करते जाओ। आपको एक साल दो साल टाइम लगेगा, सब चीज़ में टाइम लगता है। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरा अभी 250 सब्सक्राइबर है, तो उस पर भी 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने तक मुझे टाइम लगेगा। बट मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा रेगुलर भी आ चुका हूँ, इसी तरीके से वीडियो भी डाल रहा हूँ, मैं जानता हूँ मुझे टाइम लगेगा, बट मैं कर रहा हूँ। तो आपको भी करना पड़ेगा। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे सब्सक्राइब कर दो। 250 है, 1000 सब्सक्राइबर हमें करना है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका ही चैनल है। इस तरीके से तो आप ग्राइंड करते करते एक बहुत अच्छा ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाओगे, आप इसको एक करियर भी बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा प्राइज पूल का गेम होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक का गेम होता है। तो एक गेम में आप इतना पैसा मतलब इनकम कर सकते हो। और बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है जो मंथली बेसिस में आपको रखता है, मतलब उनके लिए खेलने के लिए, मतलब मंथली बेसिस में 50,000-80,000 रुपीज़ देता है सिर्फ आपको उनके नाम पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो भी आपको मिल सकता है, जैसे पबजी में फैनाटिक, सोल, 8-बिट, ये सब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे गेम के लिए बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी आपको इन्वाइट आ सकता है और आप जाके उनके लिए भी खेल सकते हो। तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है अभी ई स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुका है। तो आप इंडिया का नाम रोशन कर सकते हो, आप खुद का नाम रोशन कर सकते हो, अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हो, और आप एक बहुत अच्छा अमाउंट जो नॉर्मल 10-to-5 जॉब में नहीं मिलता, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रुपीस आप इनकम भी कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है अगर आपके गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको ई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, आपको ई स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे गेम है, जैसे मैंने पहले ही बताया पबजी, फ्री फायर, बहुत सारे गेम हैं, तो आपको ज़रूर से जाना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने सारे कुछ शायद कवर कर लिया ई स्पोर्ट्स के बारे में। मैंने थोड़ा दिन इस पे इन्वेस्ट भी किया, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, मतलब थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ा मुझे, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है वहाँ पर जाके क्लिक कर दो और चैनल में सब्सक्राइब हो जाओ। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया का हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो फॉलो कर लेना। नमस्ते, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।